नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन नगर पालिका के कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 11 के पार्षद मुकेश भाई पटेल के नामांकन पर जताई सहमति। दादरा नगर हवेली के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में धान की कटाई में जुटे किसान। देव नगर पालिका में वर्कशॉप का हुआ था आयोजन। पाटी नगर में नवरात्रि में उत्साह के साथ गरबा खेल रहे खिलैया। अब समाचार विस्तार से। दमन नगर पालिका के प्रमुख पद के लिए किया गया नामांकन। भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुकेश भाई पटेल का किया गया नामांकन। भारतीय जनता पार्टी की दमन दीव की कोर कमेटी ने शुक्रवार को सर्वसम्मति से भाजपा के दमन नगर पालिका के वार्ड नंबर 11 के पार्षद मुकेश भाई पटेल के नाम पर सहमति जताई और उनको अगली टर्म के लिए दमन पालिका के अध्यक्ष के रूप में फॉर्म भरने को कहा गया। मुकेश भाई पटेल को नगर पालिका के पूरे 15 पार्षदों की सहमति और समर्थन भी शुक्रवार को मिल गई और दोपहर में भाजपा के प्रदेश महामंत्री वासुभाई पटेल के नेतृत्व में मुकेश पटेल का नगर पालिका के अध्यक्ष पद की दावेदारी का फॉर्म कलेक्टर संदीप कुमार को उनके ऑफिस में दिया गया। दमन नगर पालिका के पूरे 15 पार्षदों का मुकेश पटेल को समर्थन मिलने से आज से अब दमन नगर पालिका कांग्रेस मुक्त हो गई है। इस प्रक्रिया में भाजपा के सभी पार्षद, भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपेश टंडेल, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज नायक, प्रदेश मंत्री नितिन टंडेल, भाजपा नेता नवीन भाई पटेल, नवीन अक्खू पटेल आदि उपस्थित रहे थे। आज भारतीय जनता पार्टी तरफ थी दमन नगर पालिका माटे प्रमुख पद नो दावेदार फॉर्म भरवा माटे संदर्भ करो तो पार्टी संगठनात्मक तरीके थी एने नक्की करे एवा मुकेश पटेल ने आज अमे फॉर्म भरायू छे। એટલે મુકેશ પટેલ અને અમારા સંગઠને એક નક્કી કર્યું હતું કે એક જ માણસ ફોર્મ ભરશે અને આજે અમારી જોડે 14 કાઉન્સિલર સાથે આવ્યા હતા અને 14 કાઉન્સિલર સાથે અમે ફોર્મ ભર્યું છે અને આમાં કોઈ બીજો સામે કેન્ડિડેટ છે નહીં। એટલે આમ તો ઔપચારિક રીતે 15 તારીખ રાખવામાં આવી છે, પરંતુ આમ જોવા જઈએ તો મુકેશ પટેલ દમણ નગરપાલિકાના મેયર તરીકે પ્રસ્થાપિત થઈ ચૂક્યા છે। પણ જે અમારા પાર્ટી તરફથી પ્રદેશ કાર્યાલય દ્વારા જે વીપ આપવામાં આવ્યો હતો એ વીપમાં એમણે સંમતિ આપી છે, એમણે પોતે બધાની હાજરીમાં સાઇન કરી છે અને કાર્યક્રમની મીટિંગમાં બી આવ્યા હતા, કોઈ જરૂરી કામ કરતી નહીં। क्षेत्रों में धान की फसल पककर हो गई है तैयार। अब सभी किसान जुट गए हैं धान की कटाई में। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में इन दिनों धान की फसल खेतों में लहराने लगी है। पूर्ण रूप से पक चुकी धान की फसल को किसान काटने की तैयारी में जुट गए हैं। ज्ञात हो कि अक्टूबर महीने में धान की फसल की कटाई आरंभ हो जाती है। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली सिलवासा के ग्रामीण क्षेत्रों के किसान अपनी खेती कर साल भर गुजारा करते हैं। जिन किसानों ने धान की खेती कर रखी है उन किसानों द्वारा फसल की कटाई परिवार सहित अपने अपने खेतों में जाकर प्रारंभ कर दी है। वहीं इस दौरान एक किसान का कहना है कि धान की फसल अच्छी हो इसके लिए नियमित निगरानी के साथ ही कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि समय समय पर सिंचाई, खाद के छिड़काव का भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। कुल मिलाकर करीब 4 माह की भारी भरकम मेहनत के बाद ही अच्छी फसल तैयार हो पाती है। इसी तरह दादरा नगर हवेली प्रदेश के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में धान की फसल पककर तैयार हो गई है, जिन्हें किसान काटने की तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हैं।
પહેલે તો કાદો કરીએ, કાદો કરીને એને ધાનને પહેલે લાખી દે, લાખી દેવા પછી અમારે એને મોટું થાય, મોટું થઈને એને ખણવું પડે, ખણીને પાછું કાદો કરવાનું, કાદો કરીને પાછું રોપવાનું, રોપીને પછી પાછું એનું ઉપદાન થાય, ઉપદાન થાય એટલે મોટું થાય, મોટું થાય પછી એને અમારે કે એનું ટાઈમ થઈ ગયો હોય તો એને કાપવા પડે, કાપીને પછી પાછું એને જોડવા પડે, જોડીને પાછું એને આખું જોડીને પછી એને ઉડાડવા પડે, ઉડાડીને પછી એને પાલામાં ભરવું પડે, પછી આખું પરિવાર સાથે અમે ખાઈ શકીએ. બીજું કાંઈ નહીં, હવે બીજું મહેનત તો ખરી જ એમાં વધારે છે. આજે તમે ખેતી કરો એને પછાડી કેટલી મહેનત લાગે? એને પછાડી મહિનો બે મહિના મહેનત લાગે, બરાબર મહેનત કરવું પડે ત્યારે થાય. બધું બહુ મહેનત તો હોય પણ હવે કરવાનું, ખેતી વાળા છે આપણે એટલે ખેતી કરવું પડે. આદર કિલે મંગા ભાત ટાકલા, મંગા તીરુ ઝાલા, મંગા બૈલ ફિરવલે, ડોનેટ વાળે છે ભાત વાડે દે, ચોમાસે તો ભાત લાવે છે જ રહેને, 15-20 સાલ ભાત વાડે તે મંગા અમે રોપણી કરો, રોપણી કેલા વર અજુન 3 ટકા આયતા, 2-3 મહિના મંગા 2-3 મહિના વર પીકે. દીવનગરપાલિકા દ્વારા ડિજિટલ પેમેન્ટ કો બઢાવા દીએ કે લી નગરપાલિકા મે વર્કશોપ કા કિયા ગયા થા આયોજન. સંઘ પ્રદેશ દીવ મેં દીવ નગર પાલિકા દ્વારા ડિજિટલ પેમેન્ટ કો બઢાવા દીએ જાને કે ઉદ્દેશ્ય સે નગર પાલિકા મેં વર્કશોપ કા આયોજન કિયા ગયા, જિસમે સભી સરકારી વિભાગો કે અધિકારી, વ્યાપારી હોટલ એસોસિએશન, ટ્રેડ યુનિયન સહિત અન્ય લોગોને ભાગ લેકર ડિજિટલ ટ્રાન્ઝેક્શન કો લેકર હોને વાલી સમસ્યાઓ પર ચર્ચા કી. દીવ જિલ્લા ઉપ કલેક્ટર ડોક્ટર અપૂર્વ શર્મા વ નગરપાલિકા મુખ્ય અધિકારી વંદના રાવ કે નેતૃત્વ મેં વર્કશોપ કા આયોજન કિયા ગયા, જિસમે MPCI વ CCA મહારાષ્ટ્ર કે સાથ મિલકર ડિજિટલ પેમેન્ટ કે બારે મેં જાણકારીયાં દી ગઈ. દીવ જિલ્લે કે વિભિન્ન વ્યાપારીઓ, હોટલ એસોસિએશન, ટ્રેડર્સ એસોસિએશન તથા સરકારી વિભાગ જિનકે દ્વારા કિસી ભી તરહ કા પેમેન્ટ કેસ મેં લિયા જાતા હો વ અબ ટોટલી ડિજિટલ લિયા જાયેગા, ઇસકે લીએ ઉપયુક્ત સાધનો કે બારે મેં જાણકારી દી ગઈ. એક સાલ પહેલે નરેન્દ્ર મોદીને ડિજિટલ પેમેન્ટ કી જો મુહિમ ચલાઈ હૈ તબ સે દીવ પ્રશાસન ઇસ પર જોરો શોરો સે કામ કર રહા હૈ ઓર ઇસી ઉદ્દેશ્ય સે યે વર્કશોપ રખા ગયા થા. ઓલમોસ્ટ કિતને લોગો એસે જિનકે પાસ સ્માર્ટફોન નહીં હૈ અભી યહાં પે કે ભાઈ મેરે પાસ સ્માર્ટફોન નહીં હૈ હમ લોગ યુઝ નહીં કર રહે હૈ. हम लोग क्यों उस तरफ हम लोग आगे बढ़े हैं, अब तक हम लोग पहले भी हम लोग कैश में जा रहे थे और ज्यादातर गुजरातियों का कल्चर ये होता है कि गुजराती जितने भी बिजनेसमैन होते हैं ना सब यही होता है कि हमने म्युनिसिपैलिटी में सितंबर में कैंपेन शुरू किया था कि हमारी जो भी पेमेंट्स होंगी, जो भी बिल्स वगैरह है वो हम डिजिटल मीन से एक्सेप्ट करेंगे. उसका करने का एक उद्देश्य था कि स्मार्ट सिटीज का डिजिटल पेमेंट का एक चैलेंज है जिसके अंदर हम सेकेंड राउंड में सिलेक्ट हुए तो हमें अब अपने धन्यवाद सभी का. मैं मिस्टर अनिल सलंगे जॉइंट कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन से निवेदन करती हूँ उप समारता महोदय का स्वागत करें. समाचारों में समय को चला एक छोटी सी ब्रेक का. ज़्यादा बीमारी रहता है तो पैसा नहीं है ना सर, फिर हमारा जमीन रहता है तो बेचना पड़ता है, उससे भी आगे नहीं हुआ तो हमारे पास कुछ आगे का है ही रास्ता है ही नहीं. मेरा आदमी गुजर गया, उसको सर कैंसिल हुआ था, ऐसे तकलीफ था ना, पैसा वैसा कुछ नहीं था. हमारा चाचा का लड़का का ब्रेन में ट्यूमर हुआ था, अपना जो भी है वो बेच के ही उसको इलाज कराना पड़ेगा, मरने थोड़ी ना देगा. सेविंग तो पूरी खत्म हो ही जाती है लेकिन उसके बाद भी अगर इंसान को बचाना है तो कहीं से कर्जा लेके भी आदमी करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा, वो कर्जा बढ़ता है
और आदमी पूरा कर्ज के बोझ में दब जाता है। ऐसे करोड़ों परिवार हैं जहां आर्थिक कमी के कारण स्वास्थ्य सुरक्षा एक बड़ी समस्या है, एक बड़ा बोझ है। लेकिन अब नहीं, भारत सरकार ने ऐसे करोड़ों परिवारों को खुशियां लौटा दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई है आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है। इस योजना में देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा बीमा दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत बीमा योजना में सभी वंचित भारतीय परिवारों को लाभ दिया जा रहा है। इस योजना में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा हर परिवार को हर साल दिया जा रहा है, जिनका नाम सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है। सर, उसमें मुझे कैसे पता चलेंगे कि सरकार ने योजना बनाई और उसमें मेरा नाम है? आपका नाम वंचित परिवार की सामाजिक और आर्थिक जाति जनगणना 2011 में लिखा हुआ है कि नहीं, ये आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर देख सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना अंतर्गत जे लोगों ने, जे लाभार्थियों ने आ योजना नो लाभ मिले छे, ए शिवाय पण जेनी आवक मर्यादा 1 लाख करता वधु छे, एवा संघ प्रदेश ना नागरिकों माटे पण आ योजना में लाभ लई शकाशे। आशा राखू छू कि आप पण आ योजना नो लाभ लेशो, साथे साथे आ योजना अंतर्गत तमाम लाभार्थियों ने उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करू, शुभकामनाओं आपू छू। दमन दीव एवं दादरा व नागर हवेली के दूसरे निवासी परिवार जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है, वो भी केवल 1700 रुपए प्लस टैक्स सालाना भरकर इस योजना से जुड़कर इसका लाभ उठा सकते हैं। मेरा परिवार तो बहुत लंबा चौड़ा है। ये योजना जो है, जो एक घर के किसी एक सदस्य को लेना है कि हर हर व्यक्ति को लेना है? इस योजना में 5 लाख का बीमा हर साल हर परिवार को मिलेगा, चाहे परिवार में कितने भी सदस्य हों और किसी भी आयु और लिंग के हों। साथ ही इस योजना का लाभ पूरे देश में पोर्टेबल है। आप योजना की सूची में लिखे किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान भारत बीमा योजना की सूची में दिए गए हॉस्पिटल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। हमारे घर में तो पहले से ही लोग बीमार है, ये योजना का लाभ उसको भी मिलेगा। बिल्कुल, अगर परिवार के किसी सदस्य को पहले से भी कोई बीमारी हो, तब भी पहले दिन से उसकी बीमारी पर बीमा लागू होगा। साथ ही आपको स्वास्थ्य की सभी सेवाएं कैशलेस दी जाएंगी, यानी आपको कोई पैसा नहीं देना होगा। इलाज के बाद अस्पताल का बिल सीधा बीमा कंपनी भरेगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोड़ने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी बीमा में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहेब तेमज प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल जी आ योजना जे हमारे गामडा में आवी, जेमने थी अमे सारी रीते इलाज करी सके छे बीमारियों, तेथी एमनो धन्यवाद, मे हाथ जोड़ी एमने आभार व्यक्त करिए छे। हर देशवासी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़े, क्योंकि स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके और आपके अपनों की है और साथ भारत सरकार का है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए 24 सितंबर को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराएं। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाटी नगर में विविध शैली मोहल्लों में ऑर्केस्ट्रा के साथ परंपरागत गरबा खेल रहे खिलैयाओं में दिख रहा है उत्साह। आदि शक्ति माँ जगदम्बा के आराधना का पर्व नवरात्रि का बुधवार से प्रारंभ होते ही प्रथम दिन से ही समग्र पाटी नगर में गरबा में भक्तजन गरबा खेलने के लिए उतरे थे। पाटी कुमार प्राइमरी स्कूल के मैदान पर देसाई टूर एंड ट्रैवल्स द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया हो। खेलैया परंपरागत वस्त्रों और आभूषणों में सज्ज होकर माँ अम्बिका गरबा खेलने उतर रहे हैं, जबकि पाटी भीलाड़वाड़ा बैंक जड़देवी माता युवक मंडल जय ब्रह्मदेव परिवार द्वारा गरबा का आयोजन किया गया है। साथ ही शेरी गरबा रामचौक पुरानी मामलतदार ब्रह्मदेव मंदिर के पास पाटी नगर की विविध सोसाइटियों में मोहल्लों में और अपार्टमेंटों में भी सभी भाविक भक्त गरबा खेल रहे हैं। आजादी
सांसद लाल भाई पटेल के हाथों किया गया ड्रेनेज लाइन का खास मुहूर्त। मोटी दमन परियारी गांव जो आदर्श गांव है, प्रधानमंत्री द्वारा आदर्श गांव की पहल में फर्स्ट नंबर आया हो गांव में विकास का दौर आगे बढ़ाते हुए गांव के सरपंच चंचल बेन के साथ सभी अग्रणियों ने मिलकर ड्रेनेज लाइन की मांग की थी। इसके चलते दमन सांसद लालूभाई पटेल ने रजूआत पर ध्यान देते हुए शुक्रवार को सांसद लालूभाई पटेल परियारी गांव पहुंचे थे और एमपी राशि में से ड्रेनेज लाइन का खात मुहूर्त किया गया। सांसद लालूभाई पटेल ने नारियल फोड़कर अपने हाथों से खात मुहूर्त किया। इस अवसर पर गाँव के सरपंच अग्रणी नवीन भाई के साथ कई लोग उपस्थित रहे थे। सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। आत्मा गुरु अगम नमः समास करो मी आद्य तत्यं बे मात। पुष्पम समर्पयामी अम्बे मात जय। राजू बस ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે એ સાંસદ શ્રી લાલુભાઈ તરફથી જે આ પરિયારી પંચાયતની અંદર ઘણા એવા કામો કર્યા છે જેમાં આ ગટરની ઘણી સમયથી એક માંગ હતી અહીંયા ખાડીપતિવાસ પણ છે અને સાથે પટેલ ફેડનો પણ ભાગ લાગે છે જેની અંદર હડપતિવાસની અંદર જે ઘણા વર્ષોથી ચોમાસાની અંદર જે ઘરોની અંદર પાણી ચડી જતું હતું આજે સાંસદશ્રીને વારંવાર રજૂઆત કરી અને એમણે પોતાનું જે ફંડ છે એમાંથી એમણે જે 32 લાખનું ફંડ આ પરિયારી પંચાયત માટે અને ગટર માટે જેમણે આપ્યું એ બદલ એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર તેમજ દમણ પ્રશાસને જે આ જોગવાઈ કરી છે અવારનવાર બધા કામો માટે એ બદલ પણ એમને પણ ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે ખાસ મને કરો ખુશીની વાત છે મારા જે એમપી લાટ સ્કીમમાંથી કર્યું અને સાંસદ આદર્શ ગામ 450 મીટર લંબાઈ 42 લાખનું એનું બજેટ છે અને પહેલે તો અભિનંદન આપું અમારી ચંચળબેન સરપંચ શ્રીમતીને અને એમની ટીમને એમને મને જાણ કરી ને નગીનભાઈ બેસેલા મારી સાથે મારા મિત્ર એ બી આવે કે લાલભાઈમાં ગટરની સખત જરૂર છે ગટરની દમણજીમાં જવાબદારી મારી પોતાની બને છે જે બી ગામમાં એમપી લાટ સ્કીમના પૈસા મારી દમણની જનતાના છે એ કાંઈ મારા નથી મારા દરેકનો આગળ ચાલીને કામ કરો મેં તો પણ કેમ તમે આવો કામ લઈને એ પૈસા તમારા જ તમારા જ વાપરવાના વિકાસમાં જ વાપરવાના છે કે ક્વોલિટીમાં કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવાનું નહીં ક્વોલિટી સારી કામ સારું કરવાનું અને આ ગટરનું કામ છે એ બધા ઘરનું જે પાણી ચોમાસાનું વરસાદનું પાણી મોન્સૂનનું પાણી હોય કે પછી બાથરૂમ કે ટોટલ ઘરનું પાણી બધું જ ગટરમાં નીકળી જશે અને બાકીની અત્યારે રાજભાઈ કહેલું કે બીજી ગટરની જરૂર છે લાલો મેં કહ્યું તમે કાલે કાલે એક લેટર બનાવો પંચાયત તરફથી મને અને બીજું બી આપી દેમ અમારું ડિપાર્ટમેન્ટ સારું કામ કર્યું છે અને અમારા જે પ્રધાનમંત્રીના આદેશ મુજબ જે આદર્શ ગામ જેમણે સોંપેલા એમાં આનંદની વાત છે કે આજે ઘણા કામો કર્યા અને ગટરનું બી દરેક જગ્યાએ અને અમારા એડમિનિસ્ટ્રેટર શ્રી પ્રભુભાઈ પટેલના બી એમાં સહયોગ છે એ બી અમને સહયોગ આપે છે દરેક કામની અંદર। दमन नगर पालिका के कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 11 के पार्षद मुकेश भाई पटेल के नामांकन पर जताई सहमति। दादरा नगर हवेली के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में धान की कटाई में जुटे किसान। दीव नगर पालिका में वर्कशॉप का हुआ था आयोजन। पाटी नगर में नवरात्रि में उत्साह के साथ गरबा खेल रहे खिलैया। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज़ के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।